ज़्यादा बच्चा कौन पसंद करता है? बच्चा को स्ट्रॉबेरी अच्छा लगता है। और हम लोग का एज वाला के लिए कौन सा अच्छा लगता है? अच्छा ये हम लोग के लिए एज वाला के लिए अच्छा लगता है। आ गए हैं मौर्या लुक में हाउस ऑफ कंडी के पास। अभी इसका लोकेशन है A47 मौर्या लुक कम्प्लेक्स पटना। यह हाउस ऑफ कंडी है, बच्चा के लिए सबसे फेवरेट है। ऐसे कंडी खाने का कोई एज नहीं होता है, आप किसी भी एज में कंडी खा सकते हैं। तब यह अंदर स्टोर में चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी कंडी यहाँ पर अवेलेबल है हाउस ऑफ कंडी के पास। अगर आप लोग ने किसी ने देखे हैं इससे बड़ा कंडी का स्टोर तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इससे बड़ा हमें पटना में कैंडी का स्टोर नहीं देखे हैं। और इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी फ्लेवर का कैंडल है। तो मेरे साथ आप वीडियो में बने रहिए, हम पूरे स्टोर का विजिट करवाते हैं। ओके, हाउस ऑफ कैंडी का स्टोर। अब यहाँ देखिए गणेश भगवान की मूर्ति से स्टार्ट होता है यह स्टोर। चलिए अच्छा बात है। अब यह हाउस ऑफ कैंडल है। तो अब यहाँ पर देखिए, आप एक गाना है ना कि बचपन का प्यार भूल नहीं जाना। अब ये वाला चॉकलेट देखकर आपको याद आ जाएगा बचपन का प्यार क्या होता है। ये सारा देख लीजिए कैंडल में। अभी बच्चा को एक बार अगर ये बच्चा को किसी भी बच्चा को दिखा दीजिएगा और खिला दीजिएगा तो वो आपका फैन हो जाएगा। अगर आपको नहीं पहचान रहा था तो मैम आप ये बताइएगा थोड़ा, सबसे ज़्यादा इसमें सेल होने वाला कौन सा फ्लेवर है? ये चॉकलेट कैशनो है। ये चॉकलेट कैशनो, अच्छा ये सबसे ज़्यादा सेलिंग होने वाला है। और ये चॉकलेट बटर स्कॉच है। चॉकलेट बटर स्कॉच, स्कॉच इफेक्ट मिक्स है, ये खट्टा मीठा लगता है। अच्छा ये खट्टा मीठा फ्लेवर में है। ये डार्क कॉफी है। डार्क कॉफी है, कॉफी अच्छा जो कॉफी कॉफी पसंद करते हैं जो डार्क कॉफी ले सकते हैं। हाँ ये सब देखिए फ्रूट कार्डमंड से, ये फ्रूट से बनता है। अच्छा ये फ्रूट कार्डमंड से। ये कोला बटर है। कोला बटर, कोला बटर के बारे में क्या बता रहे थे आपने? कोला का स्वाद आता है, कोको कोला। अच्छा कोको कोला का स्वाद आ रहा है। स्वाद आता है अच्छा, और एक महीना के बाद भी वही स्वाद रहता है। अच्छा और ये सारा को कैंडी कहा जाता है? सारा को कैंडी कहा जाता है। अभी देखिए कैंडी का, कैंडी के बारे में मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, बट ये इतना फ्लेवर लगा हुआ कि अब हम तो मतलब हमको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, कम से कम 5 दिन हमको ट्रेनिंग चाहिए तभी पूरा फ्लेवर याद कर सकते हैं। अब आप लोग देख लीजिए एक तरह, अगर आपको आप लोग भी कैंडी का ज़्यादा शौक़ है तो आप एक बार यहाँ ज़रूर आइए। और इससे बड़ा पटना में कैंडी का स्टोर अभी तक नहीं है। अगर आप लोग का नज़र में है तो एक बार कॉमेंट करके बताइएगा। और फ्लेवर आप पर डिपेंड करता है कौन सा फ्लेवर आप पसंद करते हैं, देख लीजिए सारा। आइए बच्चा के लिए ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। हाँ, अच्छा ये स्ट्रॉबेरी है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। और ये आपका हो गया ये एप्पल। अच्छा एप्पल फ्लेवर है। इसमें से सबसे ज़्यादा बच्चा कौन पसंद करता है? स्ट्रॉबेरी अच्छा लगता है बच्चा को। बच्चा को स्ट्रॉबेरी अच्छा लगता है, बनाना भी अच्छा लगता है। और हम लोग का एज वाला के लिए कौन सा अच्छा लगता है? मिक्स ले लीजिए, मिक्स है। अच्छा ये हम लोग के लिए एज वाला के लिए अच्छा लगता है। अच्छा और ये सब नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है? हाँ नॉर्मल में रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में। हाँ रूम। अच्छा तो आप अगर आप लोग कैंडी का ज़्यादा शौक है तो आप एक बार यहाँ पर मौर्या लुक A47 में आइए और यहाँ पर ट्राई कीजिए कौन सा फ्लेवर आपको पसंद है, ले जाइए। इससे बच्चा सब प्यार करते हैं तो एक बार ये वाला ज़रूर ले जा कर दीजिए। ऐसे इसको लॉलीपॉप कहते हैं ना? लॉलीपॉप एक बार बच्चा के ले जा कर ज़रूर खिलाइए। फिर बच्चा आपको मतलब जब भी आप अपना घर जाइएगा तो बच्चा आपका फ़ैन हो जाएगा। तो सर सारा फ्रेंड को टैग कीजिए जिसको कैंडी पसंद है, लॉलीपॉप पसंद है, सारों को टैग कीजिए। और ये कॉस्ट क्या होता है इसे, इसका नॉर्मल कॉस्ट क्या है? मतलब 60 रुपया का 100 ग्राम। अच्छा 160 रुपया का 100 ग्राम है। 16 रुपया पूरे मिक्स करके भी ले सकता है, किलो होता है। 16 रुपये किलो है, पूरा मिक्स करके आप ले सकते हैं। अच्छा पूरा मिक्स करके ले सकते हैं, कोई सारा फ्लेवर का एक ही प्राइस है? कोई पर्टिकुलरली एक फ्लेवर लेना चाहेगा तो उसका भी एक ही प्राइस है? चलिए तो आप सारा फ्लेवर भी ले सकते हैं मिक्स कर। 160 रुपये का 100 ग्राम है, 16 रुपये केजी है। और अगर आप 1 केजी लीजिएगा तो यहाँ पर एक उसके लिए ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पर एक गेम एक तरह कर सकते हैं ट्राई, आपको डिस्काउंट मिलेगा। सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट है जो 15% का है और इस पर आप पर डिपेंड है कितना होगा। जैसे कि आप यहाँ ट्राई कीजिए, देखिए अगर मेरा किस्मत अगर अजमाना चाहते हैं तो 5% मिला जो यहाँ पर इसका सबसे कम था। इसका मतलब कि हमको आप लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, 1 केजी लीजिए और 1 केजी लीजिए। अरे देखिए अभी 15% आ गया, मतलब कि हम लो पर भी हैं टॉप पर भी हैं। तो अब 1 केजी लीजिएगा तो ये वाला आपके पास डिस्काउंट मिलेगा, 5% से लेकर 15% तक हाईएस्ट डिस्काउंट है। 1 केजी वाला के लिए अवेलेबल है ना ये 1 केजी वाला का अवेलेबल है। अब हाउस ऑफ कंडी के हम भी कंडी ट्राई कर रहे हैं, इससे पहले भी हम कंडी के ट्राई नहीं किए। अब इसमें इतना बड़े गोली आ गया था, इसमें से शुगर फ्री पहले कौन सा है? कौन अच्छा अच्छा ये शुगर फ्री है। तो जो शुगर फ्री है ना उनके लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है, शुगर फ्री वाला के लिए भी। और सबसे इम्पोर्टेंट है
कि आप कैंडी का शौक हैं तो इतना बड़ा स्टोर तो पटना में नहीं मिलेगा और इतना सारा फ्लेवर भी अवेलेबल नहीं होगा हर जगह पर। अगर मिल भी जाएगा कहीं पर तो आप एक बार आइए, ट्राई कीजिए। और शुगर फ्री वाला के लिए भी, जो शुगर का पेशेंट है या कोई भी एज का है, ज़्यादा बुढ़ापा में शुगर हो जाता है, उनके लिए भी है। आप कहिएगा जी बच्चा थोड़ी, ये तो बूढ़ा थोड़ी के खाता है, ये तो बच्चा खाता है, तो इसको खाने का कोई एज नहीं होता है। ये कंडीर है, कंडीर खाने का कोई एज नहीं हुआ। इसको आप 60 वर्ष वाला भी खा सकते हैं और 5 ईयर वाला भी खा सकते हैं। तो इसलिए कोई भी, पहले सबसे पहले हम शुगर फ्री ट्राई करते हैं। ये चेरी था ना, ये चेरी था, शुगर फ्री में चेरी था। ये कौन से फ्लेवर में? चॉकलेट फ्लेवर है। अब ये चॉकलेट फ्लेवर का कंडीर है, ये ज़्यादा अच्छा है चॉकलेट फ्लेवर का। तब यहाँ पर इस कोई भी फ्लेवर आप आकर ट्राई कीजिए, बहुत सारा फ्लेवर है, जो आपको पसंद है वही लीजिए। अगर आपको पसंद है कि पार्टिकुलरली एक ही फ्लेवर लें तो भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर ही कोई भी फ्लेवर आकर ट्राई कीजिए, सारा फ्लेवर अवेलेबल है। और वेज या नॉन वेज का भी कंसेप्ट है क्या? अच्छा, यहाँ पर वेज और नॉन वेज का भी कंसेप्ट है। तो अगर आप वेज खाते हैं तो वेज वाला लीजिए, नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज लीजिए। शुगर फ्री लेना तो शुगर फ्री ले सकते हैं, उनके लिए भी अवेलेबल है। और जो आपको पसंद है फ्लेवर वही फ्लेवर ले सकते हैं। मिक्स भी चाहिए तो मिक्स मिल जाएगा, पर्टिकुलरली फ्लेवर चाहिएगा तो पर्टिकुलरली मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यहाँ का ट्राई कीजिए। धन्यवाद।